तीसरे चरण के मतदान के साथ ही देश भर की आधी से ज्यादा सीटों पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। नेताओं के दावों के बीच 93 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग मशीन सील हो चुकी है। ईवीएम अब 4 जून को खुलेगी। उसी दिन पता चलेगा कि किसकी जीत की अलग जगी है और किसकी जीत के दावे धुआं धुआं हुए। इस फेज में वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। असम की 4 सीटों पर 81.7% मतदान हुए। गुजरात की 25 सीटों पर 59.5% मतदान किए गए। कर्नाटक की 14 सीटों पर 70.4% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 61.4% वोटिंग हुई। यूपी की 10 सीटों पर 57.3% मतदान हुआ। बिहार की 5 सीटों पर 58.2% मतदान हुआ। एमपी की 8 सीटों पर 66.1% मतदान हुए। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 71.06% वोटिंग हुई है। बंगाल की 4 सीटों पर 76.5% मतदान हुए हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पर 69.8% वोटिंग हुई, तो वहीं गोवा की 2 सीटों पर 75.2% वोटिंग हुई है। जनता ने तीसरे फेज के लिए अपना फैसला लॉक कर दिया है। ज्यादातर जगहों पर सुबह से ही वोटरों की कतार लगी थी। भीषण गर्मी और लोहे को गला देने वाली तपिश भी लोकतंत्र के इस उत्सव का रंग फीका नहीं कर सकी। लोगों में देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का गजब का जज्बा दिखा। इसमें उम्र भी आड़े नहीं आई। युवाओं में खास जोश दिखा तो बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। हालांकि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा की खबर भी मिली। निर्वाचन आयोग के देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक असम की 4 सीटों पर सबसे ज्यादा करीब 81% मतदान हुआ है। बंगाल की 4 सीटों पर 76.5% मतदान और गोवा की 2 सीटों पर 75.2% वोटिंग हुई है, जबकि कम टर्नआउट के मामले में यूपी सबसे आगे रहा। यहां की 10 सीटों पर सबसे कम 57.3% मतदान हुआ है। बिहार में करीब 58% और गुजरात में 59% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ। गुजरात में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पीएम ने सुबह सुबह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, पूरा हिंदुस्तान एक रंग में रंगा दिखा। शाम होते होते 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इनमें प्रमुख है अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डिंपल यादव। वहीं 18वीं लोकसभा के चक्रव्यूह के तीसरे दरवाजे पर जीत के दावों की होड़ दिखी। अब चौथे दौर का मतदान 13 मई को होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। टीम न्यूज़ नेशन।